चला के आग जलाता। हेलो मनोज दिखाना तुम कैसा छाना था। हेलो हेलो, नमस्कार सर। जी, नमस्कार सत्यपाल मलिक सर, मैं रश्मि शर्मा जी बोल रही हूँ, जर्नलिस्ट दैनिक शिव टाइम से, जम्मू से। सर, जी जी एक बार बताएं। पहले भी मैंने आपसे बात की थी फोन लाइन हाँ पर हाँ आपसे। जी जी, जी ये अभी हाल ही में जो रेट की बात करें, सीबीए रेट की, तो जी जी सीबीआई ने तो साफ तौर पर लिख दिया है कि कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। तो ये जो कुछ छापामारी आखिर क्या वजह है सत्यपाल ये मलिक जी? कुछ नहीं, ये सिर्फ हैरेस करने के लिए, या ये कि चूंकि मैंने ये मामला उठाया था कि दो मामलों में मुझे रिश्वत की पेशकश हुई थी, तो बिल्कुल इन्होंने ये कहा ये भी हमारे जैसे हैं, ये करने दिया, बाकी कुछ नहीं है। मेरे तो गांव में भी गए, गांव में कोठे हैं दो टूटे हुए, जी, और कुछ नहीं था कहीं भी। ये तो वही होगा ना कि जैसे आपने ही सवाल उठाया तो आप ही के घर में छापामारी। ये बड़ी अजीब सी भाई बात है अजीब सी बात क्या है, जी जो विसिल ब्लोअर है जी उसके तो छापेमारी होती नहीं। मैं तो विसिल ब्लोअर हूँ, मैंने तो बताया भाई ये बिल्कुल धांधली हो रही है, पीएम को बताया बिल्कुल और उन्होंने कुछ नहीं किया। जी। ये बदले की भावना से करने का है और कुछ और नहीं। जैसे कहा जाता है कि जांच एजेंसी की अगर बात करें, सीबीआई की बात करें, तो इन्होंने छापामारी के दौरान इन्होंने साफ तौर पर रिपोर्ट में लिख लिया कि कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। तो क्या कहना चाहेंगे सत्यपाल मलिक जी कि आज के दौर में सच बोलना कितना कड़वा और मुश्किल है सर वो दुष्यंत कुमार का एक शेर है, ये जी? बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। तो जी आज के जमाने में सच बोलना बिल्कुल नामुमकिन काम है, लेकिन मैं तो बोलूंगा, मैं कौन इनसे डर रहा हूँ सालों। यानी आप डरने वाले नहीं है सत्यपाल मलिक, ना डरेंगे ना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं डरूंगा बिल्कुल। जैसे पहले अड़े हुए थे आज भी सच्चाई पर अड़े हुए हैं। देखिए मैं किसान हूँ, किसान डरता नहीं है, जी दबता नहीं है, जी जी डरूंगा। जी सत्यपाल मलिक जी, अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आखिर क्यों अड़ियल रवैया है, सरकार क्यों नहीं इनकी बात को मान रही? पहले भी आपने देखा ये आंदोलन ने कितना का रुख अपनाया था कि लगभग 700 से 750 किसानों की जान गई थी। ये एरोगेंस है प्राइम मिनिस्टर की, घमंड में कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी माफी मांग के कानून वापस किए थे, अब के भी माफी मांग के कानून वापस करेंगे जी, जी। पर प्रधानमंत्री जी का तो आज भी डंका मतलब, वो कहते हैं मैं जनता का सेवक हूँ। अब होंगे सेवक, हमें तो कहीं सेवा उनकी दिखती नहीं जी। तो ये आंदोलन कब तक चलेगा सत्यपाल मलिक जी, कब तक ये ये तो आंदोलन? अनलिमिटेड टाइम तक चलेगा, किसान जो है जी वो बैकआउट करने वाले नहीं है जी। पर कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, ये तो किसान ही नहीं है, किसान तो बकवास खेतों में करते है। हैं, बकवास करते हैं, किसानों की परिवार की रचना ही नहीं जानते। एक जी खेती करता है, एक फौज में जाता है, एक नौकरी करता है, जी तो ये तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर ऐसे होता है घर में, जी जी सब किसान है जी तो यानी बिल्कुल। प्रोपोगंडा किया जा रहा है इस आंदोलन को लेके। बकवास है, एकदम बकवास। जी, धन्यवाद सत्यपाल मलिक जी हमारे साथ थैंक यू जुड़ने के थैंक लिए यू और जानकारी देने के लिए सर। थैंक यू थैंक यू।